इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशेंट फ्रांटियर इन डिटेल तो एफिशियंट फ्रांटियर का कॉन्सेप्ट डिवेलप किया था हेरी मरकॉविट्स ने नाइनटीन फिफ्टी टू में जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला उन्होंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी पेश की थी मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी का एक अहम हिस्सा है एफिशेंट फ्रंटियर या एफिशेंसी फ्रंटिययर इसमें हम जो आपके uh, रिटर्न्स होती हैं उनको लेते हैं वर्टिकल एक्सेस के ऊपर और जो रिस्क है उसका जो भी पैमाना आपने इस्तेमाल किया हुआ है यूजली हम स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेशन को लेते हैं एज द इंडिकेटर ऑफ रिस्क उसको हम हॉरिजोंटल एक्सेस पे लेते हैं तो जब हमने रिटर्न को लिया वर्टिकल एक्सेस के ऊपर तो यूजअली रिटर्न किस फॉर्म में लिया जाता है दैट इज़ द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट विच इज़ एब्रीविएटेड एज सी ए जी आर जिसको हम रिटर्न के पैमाने के तौर पे लेते हैं ऑन द वर्टिकल एक्सेस और जो आपकी uh, एज़ आई मैंशन ऑर्ियर जो आपकी स्टैंडर्ड एविएशन है उसको हम लेंगे और जॉन्टल एक्सिस के ऊपर और फिर हम वो कॉम्बिनेशन निकालते हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम रिटर्न मिल रही है सर्टन असीूम्ड प्री असीूम्ड वैल्यूज ऑफ रिस्क के ऊपर तो वो कॉम्बिनेशन निकालते हैं पोर्टफोलियो के जिसके ऊपर आपको मैक्मम पॉसिबल रिटर्न मिल रहा हो फिर आप उन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक फ्रंटियर बनाते हैं जिसको हम एफिशिएंसी फ्रंटियर या एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डायमेंशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द वैल्यूज ऑफ द कोवेरियंस एंड कोरिलेशन आल्सो सो कोवेरियंस और कोरिलेशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अकाउंट फॉर करते हैं और जब हम एफिशेंसी फ्रंटियर को डेवेलप करा करते हैं तो अभी इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमने लिया है वाई एक्सेस के ऊपर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो हमने ली है एक्सेस के ऊपर और यहाँ पे आपको कैपिटल एलोकेशन लाइंस दो देखने को मिल रही हैं वन इज लेबल्ड एज सी ए एल बी देन वी हैव सी एल ए हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी दीज आर द रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ लाइंस इनका एक ये नाम भी है कैपिटल एलोकेशन लाइन भी हम बोलते हैं और इस पर्टिकुलर ग्राफ में इन दो कैपिटल एलोकेशन लाइंस के अलावा आपको एक और जो चीज़ देखने को मिल रही है दैट इज द मरकोवर्ड्स एफिशिएंट फ्रंटियर ऑफ रिस्की एसेट्स जिसकी अभी मैं बात कर रही थी तो ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है थिक वाला ब्लैक कलर का राइट right? और इसके एक सर्टन पॉइंट के बाद आपको यहाँ डॉटेड लाइन मिल रही है ये सर्टन पॉइंट जो आपने डिफाइन किया हुआ है दिस इज द मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो मिनिमम वेरियंस का मतलब क्या है कि जो आपकी पोर्टफोलियो है जो आपने बनाई है उसके अंदर सबसे कम वेरिएंस किस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट डेवलप हुआ है आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं और उसके बाद फिर आपने वो तमाम पोर्टफोलियोस को लिया है जो कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट अ सर्टन रिस्क लेवल ये जो डिफरेंट रिस्क लेवल है इनके ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल सकती है अवेलेबल सिचुएशन के मुताबिक जो आपके पास डिफरेंट फंड्स हैं सिक्योरिटीज़ हैं स्टॉक्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपने पोर्टफोलियो को डिफाइन करने जा रहे हैं उनकी क्या रिस्क होगी और उन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आप मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो जनरेट कर सकते हैं किस कॉम्बिनेशन से उन तमाम कॉम्बिनेशन को उठा के आपने ये ब्लैक थिक लाइन डिफाइन किया है जिसको हम एफिशिएंट फ्रंटियर बोलते हैं नाउ इफ वी फर्दर एक्सप्लेन लाइक डायग्रेस ऑन एट इसके ऊपर हम फर्दर इसको करें तो हम देख सकते हैं कि वह तमाम कॉम्बिनेशन जो कि इस खाली मोटी लाइन के नीचे फॉल कर रही हैं इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशनस वो तमाम वो कॉम्बिनेशन हैं जो कि इन एफिशेंट पोर्टफोलियोज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इसका मतलब है कि या तो अभी फॉर एग्जाम्पल आई हेव टेकन दिस पॉइंट राइट इसका मतलब ये है कि सपोज जहाँ छः परसेंट इंटरेस्ट पड़ा हुआ है स्टैंडर्ड uh, स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यू पड़ी हुई है रिस्क पड़ा हुआ है तो आपको इस पोर्टफोलियो से ये लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है सपोज दैट इज ट्वेल्व परसेंट और सिक्स परसेंट रिस्क के ऊपर ट्वेल्व परसेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगी अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन एफिशिएंट फ्रंटियर आपको बता रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा की है जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास मौजूद हैं डेटा में जिसकी मदद से आपने ये काली लाइन को डेवलप किया है वहाँ पे कोई ऐसी कॉम्बिनेशन मौजूद है जो कि सेम लेवल ऑफ रिस्क यानी कि छः परसेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे सकती है और इस कॉम्बिनेशन से आपको पता चला कि दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच यू कैन जनरेट विच यू कैन अर्न एट दिस पर्टिकुलर गिवन रिस्क लेवल ऑफ सिक्स परसेंट तो एफिशियंट फ्रंटियर वो तमाम कॉम्बिनेशंस पर मुश्तमिल होता है जो कि गिवन रिस्क के ऊपर आपको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न ही करे राइट तो ये हमें एफिशेंसी फ्रंटियर इस तरह से मदद देता है बेहतर से बेहतर कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करने के लिए नाउ वेन वी लुक into the detail डिटेल ऑफ frontier we see वी सी when बेसिकली वन वी मूव ऑन अब इस पर्टिकुलर चीज़ में हमने किस कॉम्बिनेशन पे जाना है तो हम ये सोचते हैं कि जो आपने जब रिस्क रिस्क और रिटर्न की ट्रेड ऑफ लाइन को डिस्कस किया था तो हमने कहा कि ये लाइन वो तमाम कॉम्बिनेशन को रिप्रजेंट करेगी जो कि आप अपने जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने पोर्टफोलियोज को डिवेलप कर सकते हैं by allocating your money total investment in the risk free and risky assets to so, humne assume kiya tha ki agar hum pure ka pura money risk free asset mein dal denge to wahan ye intercept ki value aayegi this will be the return which you will be earning in this case the expected return aapka kya hoga ye hoga theek hai to now इस particular चीज के बाद आपने different combinations लिए risky और risk free asset के अंदर कितने कितने पैसे डालेंगे तो उससे expected return जैसे आप रिस्क को बढ़ा रहे थे आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ रही थी एंड यू विल गेट दिस सी एल फॉर एग्जाम्पल बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके के नाव सी एल ए एक इज़ इन अदर लाइन इन अदर ट्रेड ऑफ लाइन विच शोज़ द लिंक बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड और वो बता रही है कि आप ज़्यादा अगर फलाँ वाले कॉम्बिनेशन ले, ले लेंगे रिस्क फ्री और रिस्क की एसेट्स के तो फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न पे जा सकते हैं तो अब फैसला ये पैदा होता है कि हमने एफिशिएंसी फ्रंटियर देख लिया हम कोई कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे लिए पॉसिबल हैं वो सी से हमें पता चल जाते हैं लेकिन हम इवेंचुअली कौन से पोर्टफोलियो को इन सारे पोर्टफोलियोज में से सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने सी को जहाँ तक पॉसिबल है उसको अपवर्ड मूव करते जाते हैं इवेंचुअली हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ सी का मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन जो आप ले सकते हैं और एफिशिएंसी फ्रंटियर का मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन जो आप ले सकते हैं और जो कि एफिशिएंट भी हैं तो इवेंचुअली वी विल कंटिन्यू पुशिंग द सीएल सी एल अनलेस वी रीच अ पॉइंट जहां आपकी जो सीएल है कैपिटल एलोकेशन लाइन वो टेंजेंट हो जाती है एफिशिएंसी फ्रंटियर से तो जिस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट होगी जैसे इस डायग्राम में ये एम लिखा हुआ है इस ये वो पॉइंट है जहाँ आपका जो ऑप्टिमल एलोकेशन है वो अचीव होता है तो वी विल हम अगे अगले सेक्शन में इसके ऊपर फर्दर इसको डिटेल करेंगे डिस्कस डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम इवेंचुअली एफिशिएंसी फ्रंटियर का काम क्या है ये हमें मदद देता है उस ऑप्टिमल एलोकेशन करने के लिए वो वाली पोर्टफोलियो निकालने में जो कि हम अपने गिवन रिसोर्स की मदद से ले भी सकते हैं जो कि सीएल रिप्रेजेंट करती है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फ्रंटियर कौन एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सा होगा जिसे मैक्सिमम लेवल गिवन रिसोर्सेस के मुताबिक आप अचीव कर सकते हैं दैट कैन बी अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर द कैपिटल एलोकेशन लाइन इज डेंज टू द एफिशिएंट फ्रंटियर सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन द सबसीक्वेंट सेक्शंस सो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एफिशिय फ्रंटियर